क्योंकि टाइम कम है और एंटरटेनमेंट का भंडार भरा हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की टॉप 5 काउंटडाउन में नंबर 5 पे है एक्शन एडवेंचर और सर्वाइवल से फुली पैक्ड 2004 में रिलीज हुई विद आईएमडीबी रेटिंग 6.1 के साथ में फ्लाइट ऑफ द फीनिक्स। मूवी का प्लॉट ऐसा है जिसमें एक प्लेन क्रैश के बाद में कैसे कुछ सर्वाइवर्स मंगोलिया के रेगिस्तान में अपने क्रैश हुए प्लेन में से एक नया प्लेन बनाने की कोशिश करते हैं। तो काउंटडाउन में नंबर 4 पे आती है 1993 में रिलीज हुई एक ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड डिजास्टर सर्वाइवल मूवी विद आईएमडीबी रेटिंग 7.1 के साथ में अलाइव, जिसमें दिखाया है कि कैसे 1972 में एक रग्बी टीम के प्लेयर्स का प्लेन क्रैश होता है एंडीज माउंटेन पे एंड जिसमें कुछ लोग बच जाते हैं, फिर शुरू होता है सर्वाइवल का गेम। तो इस टॉप 5 काउंटडाउन में नंबर 3 पे है 2010 में रिलीज हुई ड्रामा एडवेंचर सर्वाइवल से फुली पैक्ड आईएमडीबी रेटिंग 7.3 के साथ में द वे बैक। कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त एक साइबेरियन नाजी प्रिजन में से कुछ लोग भाग जाते हैं और 9,500 किलोमीटर का सफर पैदल तय करते हैं अपनी फ्रीडम के लिए, और इस सफर में वो लोग कैसे भूख और प्यास की परवाह किए बिना अपनी जान को जोखिम में डाल के सर्वाइवल का एक नया मुकाम तय करते हैं। मूवी का प्लॉट और डायरेक्शन इतना जबरदस्त है कि शुरू से आखिरी तक ये मूवी आपको अपने से बांधे रखती है। मूवी में सारे कास्ट की परफॉर्मेंस टॉप नॉच है और स्पेशली कॉलिन फेरल और एड हैरिस की जबरदस्त एक्टिंग है। मूवी जबरदस्त है और हाईली रिकमेंडेबल। वहीं इस टॉप 5 काउंटडाउन में नंबर 2 पे भाई साहब क्या मूवी है, 1996 में रिलीज हुई ट्रू इवेंट्स पे एडवेंचर ड्रामा थ्रिलर और सर्वाइवल से भरपूर विद आईएमडीबी रेटिंग 6.9 के साथ में माइकल डगलस स्टारर द घोस्ट एंड द डार्कनेस। कैसे एक ब्रिज इंजीनियर और एक हंटर सामना करते हैं दो बब्बर शेरों का जो दिन हो या रात वहां के मजदूरों पे कभी भी हमला करते रहते हैं। Maybe more. Let's go after them. Come to Samo! I am the devil. Shoot him! Michael Douglas. Val Kilmer. The Ghost and the Darkness. तो फाइनली इस काउंटडाउन में नंबर 1 पे जो मूवी है उसने तो सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए। 2015 में रिलीज हुई एडवेंचर ड्रामा थ्रिलर और सर्वाइवल का बाप विद आईएमडीबी रेटिंग 8 के साथ में लियोनार्डो डिकैप्रियो की द रेवेनेंट। कैसे एक जंगली भालू के हमले से घायल इंसान जिसको उसके साथ वाले अधमरी हालत में अकेला जंगल में छोड़ जाते हैं और वो कैसे इसी हालत में भूखा प्यासा उस जंगल में से निकल के दुश्मनों और बेरहम सर्दी से बचता हुआ अपने घर के लिए सफर तय करता है। My head was up. It was how far I came to find them.